दोस्तों, क्या आप भी अकेले रहना पसंद करते हैं? क्या आप भी बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं होते? आपके फ्रेंड्स बहुत कम हैं और आप हर किसी से ओवर फ्रेंडली नहीं होते। इसी वजह से आपको रूट, सेल्फिश और एरोगेंट भी कहा जाता है। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो आपको समझ पाते हैं। तो इसका ये मतलब हर किस नहीं कि आप रियल में एक बैड पर्सन हैं, बल्कि इसके पीछे की रीज़न है आपकी स्मार्टनेस। अगर आपके अंदर भी ये क्वालिटीज पाई जाती हैं और अब तक आप इन्हें अपनी पर्सनैलिटी का फॉल्ट मानते रहे हैं, तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाले हैं जो ये शो करते हैं कि आप रियल में एक जीनियस और स्मार्ट पर्सन हैं। सो अगर आप अब तक खुद को एक ऑर्डिनरी पर्सन समझते रहे हैं, तो ये वीडियो आपको हैरान कर देगी और आप ये जान जाएंगे कि आप दूसरों से कितने यूनिक और स्पेशल हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक साइकोलॉजिस्ट सतोशी कानाजावा ने 15,000 लोगों पर एक रिसर्च की। उसने उनके हैप्पीनेस लेवल को उनके आईक्यू लेवल से मेजर किया, तो रिजल्ट में ये पता चला कि एवरेज आईक्यू वाले लोग उस वक्त ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करते जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे। वहीं हाई आईक्यू वाले लोग उस वक्त ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करते थे जब वो अकेले रहते थे। ज्यादा लोगों के बीच उन्हें खुशी या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। यही वजह है कि निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ब्रिलियंट माइंड्स के ज्यादा दोस्त नहीं थे। चैपलन रॉनी मेलेसन का कहना था, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्त दिखाओ और आपके दोस्तों को देखकर मैं ये बता दूंगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप जितने भी हाई इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों से मिलोगे, आपको उनके अंदर यही चीज देखने को मिलेगी। चाहे फिर आज के दौर में वो एलन मस्क जैसे स्मार्ट लोग ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा क्यों है? आज की वीडियो में हम आपको ऐसी साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में बताएंगे जो ये वाजे करती हैं कि स्मार्ट लोग हमेशा अकेले रहना क्यों पसंद करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह खोकर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपने अभी तक हमारी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पर बनाई गई पहली दो वीडियोस नहीं देखी, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद वो वीडियोस भी लाजमी देखिएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ये गारंटी देते हैं कि आप उन वीडियोस से बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर वन, दे कैन स्पॉट फेक फ्रेंड्स एंड कट देम ऑफ। हाई इंटेलिजेंट लोगों के अंदर ये एबिलिटी जरूर होती है कि वो बड़ी ही आसानी से ये पता लगा लेते हैं कि कौन उनका असली दोस्त है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए ही उनका दोस्त बना है। और रियलिटी ये है कि हर इंसान के पूरी लाइफ में सिर्फ 6 ऐसे फ्रेंड ही बनते हैं जो उसके साथ मुखलिस होते हैं। स्मार्ट लोग अपने स्मार्टनेस की वजह से बहुत जल्द ये पता लगा लेते हैं कि कौन उनका असली दोस्त है और कौन सिर्फ थोड़े वक्त के लिए उनके साथ है। स्मार्ट लोग क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स से ज्यादा क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स पर फोकस करते हैं, इसलिए स्मार्ट लोगों की लाइफ में सिर्फ गिने चुने लोग ही होते हैं जिन्हें वो अपना सच्चा दोस्त मानते हैं, और बाकी वो तमाम फ्रेंड्स जो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, उनके साथ वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। सो फ्रेंड्स, किसी को दोस्त बनाते हुए उसकी नेचर के बारे में अच्छे से जरूर जान लेना। यहाँ बाज़ औकात बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग भी धोखा खा जाते हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी की हेल्प करो, उसके काम आओ। इन अदर वर्ड्स, अगर वो एक पत्थर हो और आप उसे तराश कर हीरा बना दो या सिर्फ उसे उसकी पहचान करवा दो, तो कल को वही शख्स आपका एहसानमंद होने के बजाय, आपका शुक्रिया अदा करने के बजाय आपको आंखें दिखाने लगे, या आपके इखलास और मोहब्बत की वजह से मिलने वाली सक्सेस को अपना हक समझने लगे और आपसे ये कहे कि ये सब तो मैंने अपनी मेहनत के बल पर हासिल किया है। ऐसे लोगों से
आपका ट्रस्ट उठ जाएगा और उनकी सक्सेस की एज भी बहुत ही कम होगी, क्योंकि वो अपने मोहसिन के साथ ही धोखा करेंगे। सो अगर आपको भी कभी ये लगे कि आपका कोई फ्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ नहीं चल सकता, तो जितना जल्दी हो सके उससे कट ऑफ हो जाएं और अपनी सक्सेस पर फोकस करें। वक्त उसे उसकी काबिलियत और उसकी लाइफ में आपकी अहमियत दोनों को वाजे कर देगा। नंबर टू, लैक ऑफ माइंडसेट। जिम रोन ने कहा था, यू आर एवरेज ऑफ द फाइव पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। हमारी दोस्ती की शुरुआत ही किसी कॉमन इंटरेस्ट, थॉट्स या एक्सपीरियंस की बेस पर होती है। इसीलिए हमारे स्कूल के अलग दोस्त होते हैं, घर के अलग, गेम खेलने वाले अलग और साथ घूमने वाले अलग। दोस्ती उन्हीं दो लोगों के बीच में होती है जिनका लाइक माइंडसेट होता है। हाई आईक्यू वाले लोगों का माइंडसेट अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। एवरेज लोग जो बात करते हैं जिन चीज़ों में वो बिजी रहते हैं, स्मार्ट लोग उन चीज़ों के साथ रिलेट नहीं कर पाते। उनका हर चीज़ के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और सोचने का नज़रिया होता है। उनका इंटरेस्ट भी ऐसी चीज़ों में होता है जो बाकी लोगों की समझ से बालातर होती हैं। इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने बराबर के यानी हाई माइंडसेट वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एवरेज सोचने वालों से उनकी सोच नहीं मिलती, इसलिए इंटेलिजेंट लोग अपनी पूरी लाइफ में बहुत कम दोस्त ही बना पाते हैं। नंबर थ्री, दे डोंट हैव फोमो। इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों को बाकियों की तरफ देखकर फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, उनके दोस्त कहाँ घूम रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, स्मार्ट लोग इन चीज़ों को कैचअप नहीं करते। वो खुद में इतना सेटिस्फाइड फील करते हैं कि उन्हें बाकियों की तरफ देखकर कुछ अचीव करने की ख्वाहिश नहीं होती। यूं समझ लें कि स्मार्ट लोग अपने गोल्स और ड्रीम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। स्मार्ट लोग हर किसी से इम्प्रेस होने के बजाय अपने काम पर फोकस करते हैं और अपनी एक यूनिक पहचान बनाते हैं। नंबर फोर, नेचुरली ऑब्जर्वेंट। अगर आपको किसी भी ग्रुप में सबसे स्मार्ट पर्सन को ढूंढना है तो उसे मत देखो जो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बल्कि उसे नोटिस करो जो चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा है। हाई इंटेलिजेंट लोग नेचुरली बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो अपने इन्वायरमेंट में लोगों से इंटरेक्ट करने से ज़्यादा उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। इसे हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगे कि वो उन्हें जज कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्मार्ट लोगों में नॉलेज पाने की नेचुरल चाह होती है, इसीलिए वो बोलते कम और दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं और उनके एक्शंस को नोटिस करते हैं। लिहाजा अगर ये आदत आपके अंदर भी पाई जाती है तो आप भी एक स्मार्ट पर्सन हो। नंबर फाइव, दे डोंट लाइक ड्रामा। स्मार्ट लोगों को आप कभी भी मीनिंगलेस डिबेट, बहस या ड्रामा क्रिएट करते नहीं देखोगे। उनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ही बिजी होती है, उनका माइंड क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग में इतना बिजी होता है कि लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर डिबेट या बहस करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये सब उन्हें मेंटली डिप्रेस करेगा। इसी वजह से वो ऐसी डिबेट से हमेशा बचते हैं जिनका कोई एंड ना हो। आपकी लाइफ में जितने कम लोग होंगे उतना ही कम ड्रामा क्रिएट होगा। 15,000 से ज़ायद लोगों पर की जाने वाली एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं वो कम आबादी वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं। उनकी लाइफ में लोग बहुत ही कम होते हैं और ये सिर्फ वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और वो लोग जिनकी सोच बहुत ही छोटी और लिमिटेड होती है, उनके लिए इंटेलिजेंट लोगों की लाइफ में कोई जगह नहीं होती। नंबर सिक्स, अलोननेस। इस पॉइंट को समझने से पहले आपको ये अच्छे से समझना होगा कि लोनलीनेस और अलोननेस में क्या फ़र्क है। जब आप किसी के साथ रहना चाहो, आपके अंदर उसके साथ रहने की ख्वाहिश भी मौजूद हो, ऐसे में वो शख्स आपसे दूर भागे और आपको तन्हा कर दे तो इसे कहते हैं लोनलीनेस, यानी चाहने के बावजूद लोगों का आपके करीब ना आना।
और आपसे दूर भागना, जबकि दूसरी कंडीशन में आप खुद ही लोगों से दूर रहना चाहो, आपको भीड़ पसंद ना हो और आप अकेले रहकर अपने गोल्स और ड्रीम्स पर फोकस करना चाहो, तो इसे कहते हैं अलोननेस, यानी अकेले रहने की ख्वाहिश रखना। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन लोगों में अकेले रहने की क्वालिटी होती है उतना ही लोग उनके करीब आना चाहते हैं ताकि वो उनके बारे में जान सकें। ऐसे लोग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और हर कोई उनकी तरफ खींचा चला जाता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि दूसरों से लगाई गई उम्मीदें हमेशा इंसान को दुख देती हैं और फिर वो अपने गोल्स पर फोकस भी नहीं कर पाता। लिहाजा अगर आप भी सही मानों में अकेले रहना पसंद करते हो तो आप एक जीनियस हो, लेकिन शर्त यह है कि ये अकेलापन अपने गोल्स पर काम करने के लिए हो, वरना तन्हाई बहुत ही खतरनाक होती है। नंबर 7, डिफिकल्टीज इन बीइंग अंडरस्टूड। इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों का टैग होना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट हाई इंटेलिजेंस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अक्सर दफा इंटेलिजेंट लोगों को कोई समझ नहीं पाता। अगर वो किसी सोशल सिचुएशन में चले जाएं, तो उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या और किस बारे में बात करें। बहुत दफ़ा तो कोई भी उनकी बातों को अच्छे से नहीं समझ पाता। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने वक्त के सबसे बड़े जीनियस थे, ये हम आज तो कहते हैं, लेकिन उस वक्त जब आइंस्टाइन लोगों को अपने ख्यालात के बारे में बताते थे तो बाकी सभी साइंटिस्ट उनकी बातों को नहीं समझ पाते थे और उन्हें पागल कहते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानते थे कि वो सही हैं और इस बात की उन्हें किसी से वैलिडिटी नहीं चाहिए। नंबर 8, नो नीड टू प्रूव द वर्थ। स्मार्ट लोग कितने इंटेलिजेंट हैं ये बात उन्हें किसी को प्रूव नहीं करना होती। एक तरफ जहां लोग किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उन्हें अपनी सारी अचीवमेंट्स गिनवाते हैं, लोगों के सामने अपनी एक लाइक पर्सनैलिटी रखते हैं, वहीं स्मार्ट लोग ये जानते हैं कि वो बाकियों से कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हैं और वो अपनी लाइफ की हर छोटी मोटी चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं। अब चूंकि स्मार्ट लोग खुद इतने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उन्हें दूसरों की वैलिडिटी नहीं चाहिए होती। नंबर 9, फोकस ऑन पर्सनल गोल्स। एवरेज लोग समाज में इज्जत को चेज करते हैं, सोशल मीडिया के लाइक से उन्हें डोपामिन का हिट मिलता है और कोई उनकी तारीफ कर दे तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उनकी पूरी लाइफ दूसरों को वैलिडेट करने में निकल जाती है। वहीं स्मार्ट लोगों को ड्राइव करता है उनका एम्बिशन और पर्पस। वो नेचुरली शॉर्ट टर्म प्लेयर से दूर रहते हैं और लॉन्ग टर्म प्लेयर को चेस करते हैं। वो खुद को प्रूव करने के लिए नहीं, ना ही किसी तारीफ या मेडल के लिए काम करते हैं, बल्कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स को पाना होता है। इसीलिए लोग उन्हें सेल्फिश भी कहते हैं, लेकिन अपने गोल्स को पाने के लिए सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है। स्मार्ट लोग इतने बिजी होते हैं कि उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं होता। सो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर पाई जाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।